नमस्कार, कल्पना चौबे रेसिपी में आपका स्वागत है। तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन में थोड़े ही दिनों में दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए ये मेरे पास 3 सूखे नींबू हैं। इसी से पूरे बर्तन को साफ़ करूँगी। नींबूओं को 2 पीस में काट ली हूँ। ये सूखे हुए नींबू हैं, ज़्यादा इसमें रस भी नहीं है। पहले सिर्फ नींबू से ही इस लोटे को साफ़ करती हूँ। सिर्फ नींबू के रस से ये लोटा साफ नहीं हो रहा है। अब मैं 1 चम्मच नमक ले लेती हूँ। अब नींबू में नमक लगाकर लोटे को साफ करेंगे। नींबू और नमक लोटे पर लगाते ही लोटा एकदम से चमक गया। नींबू नमक लगाते ही लोटे का दाग एक बार में ही साफ हो जा रहा है। इसी तरह से आमचूर पाउडर से भी इन बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आमचूर पाउडर से बर्तन साफ़ नहीं होंगे, उसमें भी नमक मिलाना पड़ेगा। इसी तरह से इमली और नमक से भी इन बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। नींबू और नमक से बिना मेहनत के बर्तन साफ़ होते हैं, ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ताज़े और फ्रेश नींबू से बर्तन और जल्दी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ताज़े नींबू में रस भी ज़्यादा रहता है। लोटे में चारों तरफ नमक नींबू लगाने के बाद लोटे को पहले सिर्फ पानी से साफ़ करेंगे। उसके बाद कोई साबुन या लिक्विड लगाकर फिर पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसी तरह से सभी बर्तनों को नींबू नमक लगाकर और पानी से साफ़ कर लेंगे। बर्तनों को पानी से साफ़ करने के बाद एक सूखे और साफ़ तौलिया से सुखा लेंगे। बर्तनों को पानी से साफ़ करने के बाद तौलिया से सुखा देते हैं तो बर्तनों में जल्दी से दाग धब्बे नहीं आते। तांबे, पीतल और कांसे के बर्तन को चमकाने की विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।